नगरी निकाय चुनाव का दौर जारी है, जहां चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही नेताओं के बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपनी जेब से ब्रिज बनवाने की बात कही थी, अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता सुवेग राठी जी से और बीजेपी नेता सुमित मिश्रा जी से। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस से सुवेग जी से। नमस्कार सर, एमपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपनी जेब से ब्रिज बनवाने का वादा जनता से किया है, अब इस पर पलटवार करते हुए विधायक रमेश मेंदुला ने कहा है कि कांग्रेस जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये तो स्वयं रमेश मेंदुला जी को सोचना चाहिए जी। कि 20 साल हो गए हैं भाजपा की सत्ता को नगर निगम में भी, और लगभग इतना ही बीच का एक साल अगर निकाल दें हम कमलनाथ जी की सरकार का जी, तो 19 साल प्रदेश में भी हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी जो है आज भी वो विकास करने की बात कर रहे हैं। तो क्या 20 सालों में विकास नहीं करा उन्होंने शहर का और प्रदेश का? चाहे भाजपा के महापौर प्रत्याशी हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, जो कि स्वयं घोषणावीर ही हैं, उन्होंने तो कितनी घोषणाएं करी हुई हैं, उनको खुद को ही याद नहीं रहता है। सुबह क्या घोषणा करते हैं, शाम को क्या घोषणा करते हैं, उनको खुद को ही याद नहीं रहता ना। भाजपा के नेताओं से पूछ ली जाए तो उनको याद रहेगा कि उनके मुख्यमंत्री ने कौन सी घोषणा कब करी। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने स्वयं दिखाते आए हैं प्रदेश की जनता को और इंदौर की जनता को पिछले 20 वर्षों से जी। तो ये तो उल्टा चोर जो है वो वाली कहावत जो उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और जहां तक संजय शुक्ला जी की बात है, संजय शुक्ला जी ने जो बोला है वो कर दिखाया है, चाहे उनकी विधानसभा की बात हो, चाहे शहर के अंदर कोविड काल के अंदर लोगों की मदद करने की बात हो। जब भाजपा की सरकार विफल हो गई, भाजपा के वर्तमान महापौर प्रत्याशी घर में दुबक के बैठे हुए थे और भाजपा के तमाम नेता घर के अंदर दुबक के बैठे हुए थे, उस वक्त संजय शुक्ला जी अपनी जान को हथेली पे रख के हॉस्पिटलों में, शमशान घाटों में और कोविड से जो पीड़ित जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए लगे। सर, बीजेपी अब निशाना साध रही है कि संजय शुक्ला 5 ब्रिज बनवाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। संजय शुक्ला जी की अगर इनकम टैक्स की ITR देख ली जाए तो बीजेपी के नेता जो हैं निरुत्तर हो जाएंगे, और उनके संपर्क भी जो रहते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर एक कैडर का आता है, किसी पद को सुशोभित करता है जीत कर, तो उसके कारण बहुत सारी चीजें फायदा मिलता है शहर की जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी। जस्ट लाइक कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो मध्य प्रदेश को कई तरीके से फायदा मिला, कई योजनाओं के अंदर, देश के अंदर विश्व पटल के ऊपर एक पहचान मिली। उसी तरह से संजय शुक्ला जी का जो अभी तक का पूरा उनका जो बैकग्राउंड रहा है, उन सब सारी चीजों का भी फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं शहर की जनता को। और उन्होंने तो करके बताया है, उन्होंने बोरिंग कर का वादा करा उन्होंने उनकी विधानसभा में, और बोरिंग करके बताया उन्होंने। उन्होंने वायदा करा मैं यहाँ यात्राओं पर सारी जनता को लेकर जाऊंगा, वहां लेके जाके उन्होंने बताया, निरंतर जारी है। तो वो तो जो करते हैं वो कर, जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा ही नेताओं की तरह नहीं है कि बोल दिया और फिर भूल गया, जुमलेबाजी नहीं करते हैं दिल्ली से लेके यहाँ तक मध्य प्रदेश और इंदौर तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बीजेपी से नेता सुमित मिश्रा जी से बात करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला अपनी जेब से ब्रिज बनवाने की का वादा जनता से कर रहे हैं, अब इस पर पलटवार करते हुए विधायक रमेश मेंदुला ने कहा है कि कांग्रेस जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पहले भी माननीय संजय शुक्ला जी ने कहा था कि वो विधानसभा के चुनाव के अंदर 101 बोरिंग कराएंगे जी। और मुझे लगता है कि उसमें अभी तक एक भी बोरिंग उन्होंने कराया नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमने 50 या 54 बोरिंग कराए भी हैं। जी। तो 50 या 54 बोरिंग में यदि हम एक बोरिंग की साधारणता कीमत माने तो बोरिंग और उसके बाद मोटर ये सब मिला के 150,000 के आसपास एक बोरिंग का खर्चा पड़ता है, और यदि इनको 54 कर दिए जाए तो ये जितने पैसे हैं ये एक नंबर में गए होंगे, बोरिंग वाले ने एक नंबर में लिए होंगे, उसका GST कटा होगा, उसका बिल बना होगा। तो माननीय संजय शुक्ला जी, पहले 101 बोरिंग की जो आपने घोषणा की थी और उसमें जो आप कह रहे हैं कि मैंने 54 बोरिंग कराए, तो पहले उन 54 बोरिंग के GST के बिल, कहाँ पे आपने बोरिंग कराया, कौन से स्थान पे कराया, किस स्थान से आपने मोटर खरीदी, किस स्थान से आपने केसिंग लिया, कहाँ से आपने पंप लिया, इस सब की जानकारी पहले उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। निश्चित तौर पर माननीय विधायक रमेश मेंदुला जी ने जो कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, ये वर्षों से दिखाती आ रही है, आज से नहीं दिखा रही है। इसके पहले कांग्रेस ने करा
कि हम गरीबी हटाएंगे, इन्होंने गरीबों को हटा दिया। पहले कांग्रेस कहती थी कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, पूरी की पूरी कांग्रेस की मनमोहन जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। ए से ले तक के झेड तक के हमने सारे घोटालों के नाम देखे, ए से लेके झेड तक। तो इस प्रकार कांग्रेस तो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करती आई है। रही बात पांच ब्रिज की, तो माननीय संजय शुक्ला जी, पहले आपने जो विधानसभा में वादा किया था आप उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाए, और यदि आप उसे पूरा करने की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि 54 बोरिंग का हिसाब दीजिए, पूरा की पूरा कहाँ लगाए, किस स्थान पे लगाए, तो इस प्रकार की सारी जानकारियां, विद्युत कनेक्शन लिए होंगे, बिजली कनेक्शन लिया होगा, इस सबकी जानकारी वे सार्वजनिक करें, उसके बाद पांच ब्रिज की बात करें। कोई हम गली मोहल्ले में घरगुल्ला थोड़ी खेल रहे हैं कि मैं पांच घर के अंदर घरगुल्ले बना दूंगा, या दीवालों पर संजा का निर्माण करा दूंगा, या फिर मैं कोई भंडारे में पांच डिब्बे तेल भेज दूंगा। ये शहर के पांच ब्रिज की बात है, वे सार्वजनिक करें कि वे पांच ब्रिज कौन से बनाने वाले हैं, कितनी लंबाई के बनाएंगे, कितनी चौड़ाई के बनाएंगे, उन ब्रिजों में रेलवे की अनुमति कैसे लेके आएंगे, ये सब उन्हें बताना पड़ेगा। ये सब उन्हें बताना पड़ेगा। केवल हवा में हम कह दें कि हम पांच ब्रिज बनाएंगे, तो ऐसे तो कल से कोई भी कह देगा कि मैं इंदौर से आसमान तक की सीढ़ियां लगाऊंगा, हवा में कारें उड़ाऊंगा। तो कांग्रेस को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की बजाय निश्चित तौर पर जमीन पाकर काम करना चाहिए। कांग्रेस को एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को विकास की बात करना चाहिए, कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीति बंद करना चाहिए, और खुले तौर पर जिस प्रकार की उदयपुर के अंदर घटना हुई है, एक हिंदू का सरेआम कत्लेआम किया गया है, तालिबानी संस्कृति जो विकसित हो रही है उसका विरोध कांग्रेस को करना चाहिए, उसके बाद ही जनता जनार्दन के बीच में जाके वोट मांगना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि बोरवेल के बिल और जीएसटी बिल दिखाने होंगे, उसके हिसाब से मैं उसके हिसाब से वो उसी को लेकर पूछेंगे, तो उसी को लेकर मैं पूछना चाहूंगी कि संजय शुक्ला जी ने पांच ब्रिज बनवाने का दावा किया है, क्या लगता है आपको कि संजय शुक्ला इसको लेकर पैसे कहां से लाएंगे? देखिए, संजय शुक्ला जी के पास पैसा कहां से आएगा ये तो पूरा शहर जानता है। पूरा शहर जानता है कि शुक्ला जी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वे जब सो के उठते हैं तो उनके पास लाखों रुपए आ जाते हैं। किंतु घोषणा करना और पैसे लगाना तो अलग अलग बात है, और अगर व्यापारी और उद्योगपति चुनाव लड़ने लग जाएं और जीतने लग जाएंगे तो फिर तो इस देश का प्रधानमंत्री भी अडानी और अंबानी को बना देना चाहिए। इसलिए पैसे कहां से लाएंगे ये चिंता का विषय नहीं है। पैसे तो शिवराज जी की सरकार भी खूब लगा रही है विकास में, पैसों की कमी कहाँ आ रही है? शिवराज जी कहते ही है कि मैं विकास में पैसे आड़े नहीं आने दूंगा, तो पैसे की तो कहीं कमी आ ही नहीं रही है जो संजय शुक्ला जी कह रहे हैं कि मैं मेरे पास से लगाऊंगा। मुद्दा तो ये है कि संजय शुक्ला जी जो पहले बोरिंग की घोषणा कर चुके हैं, पहले वे बोरिंग लगवा दें फिर ब्रिज बनवाने की बात करें। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, चुनावों की तारीख नजदीक आने के पहले ही प्रत्याशियों की घोषणाएं भी शुरू हो चुकी हैं, और न जाने इसका नतीजा आने तक ये बयानबाजी का सियासी पारा कितना ऊपर तक जाएगा और कहां तक पहुंचता है। देखना होगा कि उनके बीच अब जनता किसे चुनती है और किसे अपने शहर की कमान सौंपती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।